हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 27th of December को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है। जिस तरीके से हमने देखा था 224 पॉइंट्स का बाउंस बैक हमने निफ्टी के अंदर देखा था, वो शॉर्ट कवरिंग थी या असल में बाइंग बनी है निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर? और अगर बाइंग बनी है तो किस जगह बनी है, यानी कि किस एक्सपायरी में बनी है? जनवरी की एक्सपायरी में बनी है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, क्या फ्रेश बाइंग हो रही है, क्या फ्रेश सेलिंग हो रही है पुट्स में, तो किस तरीके से मार्केट काम कर रही है वो आज हम देखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने आज रिएक्शन दिया है, जिस तरीके से मार्केट 10,520 या 10,530 से बाउंस करके सीधा 10,750 तक चली गई थी, वो हमारी मार्केट के लिए एक बहुत, हम कह सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग एक तरीके की मूव आई है और बहुत जबरदस्त बाइंग भी आ गई है। पर गाइस, अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये मुझे भी नहीं पता था कि वहां से एक ऐसा खतरनाक तरीके से एक बाइंग लेवल बनेगा और वो मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर ले जाएगी। सो गाइज, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 10 बजे ही अपने क्लाइंट्स को बोल दिया था कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रह सकती है, तो मैं आज आप लोगों को कोई भी कॉल्स प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को कुछ भी कॉल्स प्रोवाइड आज नहीं करवाई थी, सिर्फ एक कैनरा बैंक बाय करवाया था जो भी हम सिर्फ एक या दो पॉइंट्स लेके एग्जिट कर गए थे। गाइज, अब हम बढ़ते हैं कि हमें कल के मार्केट में क्या ट्रेड लेकर चलना है, कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोज पे आपको मैं कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ, सबसे पहले आपको देखना ये जरूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई क्रूड ऑयल से रिलेटेड कोई स्टॉक बताता हूँ कि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है या घटता है तो उससे उस पर्टिकुलर स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा, सिर्फ मैं चार्ट्स को देखने के बेसिस पे ही मैं आपको बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, ये ऊपर या नीचे जा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो मैं अपने इस वीडियोस के अंदर डालता हूँ जो एक पर्टिकुलर चीज से इफेक्ट करेंगे और आपको कल के मार्केट में फायदा दे सकते हैं, और वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अगर ऐसा कोई स्टॉक होता है। पर गाइस, ज्यादातर मैं सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे ही और चार्ट्स के बेसिस पे ही रीड करता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको बोला गया कि बीपीसीएल शॉर्ट करिए क्योंकि उसमें एक सेलिंग प्रेशर है, और हम कह सकते हैं कि चार्ट्स भी बोल रहे हैं कि उसे शॉर्ट करने के लिए, पर गाइस अगर हमने देखी कि अगले दिन ही न्यूज आ जाती है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10% गिर गए हैं, तो वो ऑफकोर्स बीपीसीएल बढ़ेगा। पर गाइस, यही है, तो आपको केयरफुली ही मार्केट को पहले समझना पड़ेगा कि मैं आपको जो स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बाय बोला वो बाय के लेवल पे ही जा रहा है, तभी आपको अपनी पोजीशंस बनानी है। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। गाइस, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ज्यादातर स्टॉक्स ने लोअर लेवल से रिकवरी करके ऊपर गए हैं, तो चार्ट्स में एक, हम कह सकते हैं, एक अननोन पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है या अननोन प्राइस पैटर्न बन रहा है। गाइस, वो प्राइस जो फ्लक्चुएशन कर रही है, जो ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर कर रही है, तो हम अभी पता नहीं लगा सकते आज के कैंडल को देख के कि वो पर्टिकुलर स्टॉक है वो या ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। सो गाइस, अभी आपको मैं केयरफुली सलाह दूंगा कि कल के मार्केट में ध्यान से ट्रेड करिएगा पर्टिकुलर स्टॉक्स को जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, और इन स्टॉक्स के बेसिस पे ही हम कल की मार्केट पे अजम्पशन लेके चलेंगे। सो गाइस, सबसे पहले बढ़ते हैं HDFC पे। सो गाइस, HDFC पे हम बाय करने की सलाह देंगे। इसके साथ अगर आपको HDFC बैंक बाय करना है तो HDFC बैंक भी बाय कर सकते हैं आप। 1943-1960 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 1920 का मेंटेन करना होगा। MGL बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 882-891 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 866 का मेंटेन करना होगा। भारत फोर्ज बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 511-519 के टारगेट्स के साथ स्टॉप लॉस आपको 496 का मेंटेन करना होगा। उज्जीवन बाय करने की सलाह आपको 278-283 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 269 का मेंटेन करना होगा। सीएट, हमने देखा था सीएट में एक बहुत अच्छी खासी गिरावट आई थी, पर जो लोअर लेवल से इसमें रिकवरी आई है और वो अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ जाके या पॉजिटिव वे पे जाके इसने क्लोजिंग दी है, 1260 के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो गाइस, हम कह सकते हैं सीएट में एक शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है और वो 1290 तक के भी टारगेट्स हम सीएट के टारगेट में देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1255 या 1250 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा सीएट के अंदर। गाइस, अब हम बढ़ते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजी इसमें हुआ क्या, ऑप्शन चेन में क्या हुआ, अब देख सकते हैं कि 10,800 से लेकर 11,100 तक बाइंग देख सकते हैं कि जो कॉल है उसमें 10,800 की कॉल में जो सेलर्स हैं वो एग्जिट कर चुके हैं, 10,900 की जो कॉल है उसमें भी सेलर्स एग्जिट कर चुके हैं, यानी कि 10,800-10,900 के जो सेलर्स बने हुए थे कॉल ऑप्शन में वो सब एग्जिट कर चुके हैं, 11,000-11,100 के जो बायर्स थे वो भी एग्जिट कर चुके हैं।
बाइंग करके। गाइस ये जो आप देख रहे हैं कि जो सेलर्स एग्जिट कर रहे हैं और बाइंग एग्जिट कर रहे हैं, ये किधर हो रहा है? ये हो रहा है दिसंबर की एक्सपायरी में। पर गाइस अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखिए इंडिया विक्स को जो आपको 15.92 दिख रही है, यानी कि 16 के नीचे, अगर इंडिया विक्स 16 के नीचे है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश है और अब ये पॉजिटिव जोन में जा सकती है। आप देख सकते हैं 11,000, 10,700 से लेकर 10,400 तक फ्रेश सेलिंग देखने को मिली है पुट के अंदर आज के सेशन में, यानी कि पुट्स को बेचा जा रहा है और 10,400 से लेकर 10,700 तक, यानी कि एक हर्डल, एक स्ट्रांग सपोर्ट बन के ये आगे आ सकता है। सो गाइस ये हम निफ्टी के हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं ये जो कॉल ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइस है 27,100 से लेकर 27,400 तक, वहां से भी जो सेलर्स है वो एग्जिट कर चुके हैं, सेलर्स एग्जिट कर चुके हैं, बायर्स 27,000 की जो पुट थी उससे भी एग्जिट कर चुके हैं। आप ध्यान से देखिएगा, 27,000 की पुट से एग्जिट करा है बायर्स ने, ना कि कॉल ऑप्शन से। अब हम बात करते हैं तो 26,900 से लेकर 26,700 तक पुट में फ्रेश सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी की भी जो अपर की जो लाइव मूव है, जो रेजिस्टेंस है, वो एक हम कह सकते हैं एक हर्डल है। पर इस जो डाटा से हमें समझ आ रहा है और जो हमें चार्ट्स पैटर्न से समझ आ रहा है कि जो सपोर्ट है लोअर लेवल्स में वो ज्यादा है, यानी कि एक बहुत डीप डाउन में है, और जो रेजिस्टेंस है वो बहुत पास है जो क्लोजिंग प्राइस है। यानी कि अभी जो बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो बंद हुआ है 10,750 के अराउंड, जो इसका रेजिस्टेंस है वो इसके बहुत पास है, जो कि है 10,830 या 10,820 का, और इसका जो सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, यानी कि 10,580 का। सो गाइस सपोर्ट बहुत नीचे है क्लोजिंग प्राइस से, पर रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, तो हमें ट्रेड कैसे करना है? हम देख रहे हैं कि जो सेलर्स है वो एग्जिटेड कर रहे हैं और फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है हमें इंडेक्सेस के अंदर जनवरी की सीरीज में। हेविली 80-85% जो प्रॉफिट है वो आज ऑप्शन में हुआ है जनवरी की सीरीज में, कॉल ऑप्शन अगर किसी ने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बाय कर रखी होगी तो। सो गाइस 80-85% का प्रॉफिट उसमें देखने को मिला है, फ्रेश बाइंग्स हो ही जा रही है जनवरी की सीरीज में इंडेक्स के अंदर। तो शायद 11,150 या 11,200 का लेवल भी हम अचीव कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको जिन दिसंबर की एक्सपायरी जब जनवरी दिसंबर की एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी मैंने आपको तभी बता दिया था कि हम लोअर लेवल्स देखेंगे जरूर, पर बाय द एंड ऑफ 2019 2080 हम देख सकते हैं कि 11,200 तक भी मार्केट पहुंच जाएगी, और या फिर जनवरी की एक्सपायरी तक पहुंच जाएगी। तो गाइस वैसा हो सकता है जिस तरीके से हम ऑप्शंस और चार्ट्स के बेसिस में देख रहे हैं। गाइस अब हमें देखना है कि जो मैंने आपको बैंक निफ्टी की रेंज बताई थी, जो मैंने आपको मेजर्ड शेप पैटर्न बताया था निफ्टी के अंदर, वो उसे आज इसने ब्रेक करा था, पर आज उसके ऊपर जाके ही क्लोजिंग दे दी। तो गाइस एक ये बहुत अच्छी बात है निफ्टी के लिए। सो अब हम कह सकते हैं कि अगर आपको निफ्टी 10,830 के ऊपर मिलती है तो फ्रेश बाइंग बनाइए जनवरी एक्सपायरी सीरीज के अंदर, और होल्ड करके देखिए फॉर अ टारगेट ऑफ 11,160। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इस वीडियोस में और क्या क्या चेंजेस चाहिए और मैं किस तरीके से आपके लिए और नई वीडियोस बना सकता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो। सो गाइस बेल आइकन को दबाइएगा, उससे आप मेरी लेटेस्ट डेट इन्फॉर्मेशन हर दिन पा पाएंगे, और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। गाइस मैं आपको सलाह दूंगा कि मैं 2-3 दिन से अपने टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव नहीं था, पर मैं वापस एक्टिव होने वाला हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं और वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मैं अब आपको लाइव कॉल्स भी दूंगा मार्केट पे, लाइव कॉल्स इन द सेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी मैं अपने क्लाइंट्स को कॉल दूंगा उसके थोड़ी देर बाद अगर हमारा टारगेट अचीव होने वाला होगा या चाहे हमारा स्टॉप लॉस अचीव होने वाला होगा उसके आसपास ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल में कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा। उसका रीजन यह है कि आप समझ जाएंगे कि जो भी मैं लाइव कॉल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को वो आपको मिल रही है, इन द सेंस कि मैं बिल्कुल लाइव ही ट्रेडिंग करवा रहा हूँ अपने क्लाइंट से, कोई भी मैं झूठ मूठ का प्रॉफिट आपको शो नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि वो लोग पेड क्लाइंट्स हैं तो उन्हें सबसे पहले ही अच्छा खासा प्रॉफिट अचीव होना चाहिए, उसके बाद आप आएंगे। सो गाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बन सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट्स की अपडेट्स होती हैं, स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जो भी मेरे क्लाइंट्स मुझे भेजते हैं या जो मैं पर्सनली खुद ट्रेड करता हूँ, वो सारे स्क्रीनशॉट्स मैं अपने इंस्टाग्राम टैप चैनल पर डालता हूँ, तो उसे भी आप हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा। सो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मेरे ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं लेटेस्ट न्यूज डालता हूँ, क्या हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं और किससे हमारी मार्केट को इफेक्ट हो सकता है। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।